रश ज़्यादा होने की वजह से ये अभी अभी जस्ट मेरी आंखों के सामने एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कोई ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं। उधर सामने जो तंदूर है उधर भी नज़र आ रहा है रश दूर से। एक रोटी लेने के लिए मुझे कम से कम आधा घंटा 15 मिनट खड़ा होना पड़ेगा। बादल अच्छे वाले गरज रहे हैं, फिर रमजान में अल्लाह की रहमत बरस रही है, और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे या तो गर्मी बढ़ेगी या अल्लाह की रहमत मजीद ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज ही यहाँ पे सऊदी अरब में चौथा रमज़ान है और आज अल्लाह की रहमत आ रही है। ये देखें बारिश आ रही है, अभी तो इसकी मकदार थोड़ी कम होगी, पहले थोड़ी सी ज़्यादा थी। और आप हिसाब लगा लें क्या चौथे रमज़ान में अल्लाह की रहमत बरस रही है, और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे या तो गर्मी बढ़ेगी या अल्लाह की रहमत मज़ीद नाजल होगी। बहुत ज़्यादा मकदार थी, अभी बहुत कम मकदार हो गई है, और इस वक्त सड़कें बिल्कुल भीग चुकी हैं। तकरीबन 15 मिनट पहले से बारिश हो रही है और अभी बादल जो है वो गरज रहे हैं। और बचपन में बोलते थे ना कि बादल पानी लेने के लिए जा रहे हैं, अभी बादल पानी लेने के लिए जा रहे हैं, पानी लेने के लिए जा रही हैं। फिर से दोबारा बारिश आएगी इंशाल्लाह, और अच्छे वाली आएगी इस वक्त। पाकिस्तान में तो रोना था भाई, वहाँ पे जालाबारी हो रही है, यहाँ पे हल्की हल्की बारिश हो रही है। पहले थोड़ी तेज़ थी, अब हल्की हो गई है, काफ़ी हल्की हो गई है, और बादल जो हैं वो गरज रहे हैं अच्छे वाले। शायद मज़ीद बारिश हो और शायद काफ़ी देर तक हो, और अगर काफ़ी देर तक हुई तो यकीन जाने यहाँ पे रमज़ान बिल्कुल गर्मी नहीं होगी। वैसे भी यहाँ पे लोगों को पता नहीं चलता गर्मी हो या ना हो, आवाम तो सोई रहती है। यहाँ पे भाई रमज़ान में यह सीन होता है कि सुबह सोए रहते हैं, सुबह से लेके असर की नमाज तक आवाम सोई रहती है, और असर के बाद आवाम उठ के इफ्तारी करके फिर काम पर निकल जाती है। यानी कि यहाँ पे गर्मी हो या गर्मी ना हो सेम बराबर ही हाल है, क्योंकि यहाँ पे आवाम जब सोती है तो इसे चला के सो जाती है, रात में काम पे जाती है, और रात में काम में गर्मी हो या ना हो, और थोड़ी मकदार में हो या ज़्यादा मकदार में हो पता नहीं चलता, क्योंकि रातें अक्सर ठंडी ही होती हैं पाकिस्तान में भी और सऊदी अरब में भी। तो इसी वजह से ये बारिश हो रही है, तो शायद हो सकता है कि गर्मी का टम्परेचर कम हो जाए रात में भी और दिन में भी, और अगर हो गया तो ये अल्लाह की रहमत है, और यही रहमत अल्लाह ताला पाकिस्तान पर भी निछावर करें, क्योंकि वहाँ पर भी मेरे ख्याल से शायद गर्मी हो रही है, पता नहीं है अभी कंफर्म, लेकिन आवाम कुछ आधी गुर्बत की वजह से बोल रही और आधी शायद गर्मी की वजह से। पिछले रमज़ान तो जैसे ही स्टार्ट होते थे, आज से चार साल पहले की बात बता रहा हूँ, जैसे रमज़ान स्टार्ट होते थे वैसे ही गर्मियाँ शुरू हो जाती थी, लेकिन अब शायद अल्लाह की रहमत मज़ीद नाज़िल हो जाए पाकिस्तान पर भी। ओए भाई साहब, बारिश आ रही है अच्छे वाली, और बादल अच्छे वाले गरज रहे हैं, और तेज़ ये देख मकदार चेक करो बारिश की। अभी जोर की अजान हो के रही है, अभी जस्ट 1 मिनट 2 मिनट पहले, और पहले बारिश का जोर से पहले हो रही है बारिश, लेकिन पहले थोड़ी मकदार कम थी, जैसे ही अजान हो के रही है मकदार ज़्यादा हो गई है। देखो और अंदर वाली साइड में खड़ा हो गई, इधर भी बारिश आ रही है, इतनी तेज़ हो रही है बारिश, आप अंदाज़ा लगा रहे हैं, और बादल गरज रहे हैं, आवाम आके देख रही है। हिसाब लगा रहे हैं अल्लाह ताला की रहमत आ रही है सऊदी अरेबिया पे, सही है चौथे रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला सबकी सख्तियाँ जो है वो माफ़ फरमाए, सबसे जो गुनाह होंगे वो माफ़ फरमाए, और अल्लाह ताला इनकी सख्तियाँ थोड़ी सी कम करे पाकिस्तान में भी और सऊदी अरब में भी जो लोग रहते हैं। बहुत तेज़ी से बादल गरज रहे हैं, अल्लाह ताला खैर करे।
ये एसी है मेरा, हमारा ये एसी है, और मैं सोया हुआ था तकरीबन 11:40 पे। मैं उठा हूँ, जैसे ही उठा हूँ, बल्कि इसी आवाज़ ने उठाया, अभी बारिश थोड़ी सी कम हो गई है इसलिए आवाज़ भी थोड़ी सी कम हो गई है। जैसे ही उठा हूँ भाई, देख रहा हूँ इधर तो ज़ोरदार किस्म की आवाज़ें आ रही है। मैंने सोचा शायद कोई ज़्लाबारी हो गई है, बाहर जाके देखा तो बारिश आ रही थी तेज़, 11:35 पे। और बाहर गया हूँ तो 5 मिनट बाद बारिश कम हो गई है, फिर ज़ोर की अज़ान जैसे हुई फिर से बारिश तेज़ हो गई। जोर की सलाह के लिए जा रहा हूँ और बारिश अभी भी हो रही है। ये मिकदार दिखाता हूँ आपको, अभी अभी बारिश थोड़ी सी कम हुई है कि शायद अल्लाह ताला बंदों से कह रहे हैं कि भाई नमाज पढ़ ले, उसके बाद फिर बारिश आनी है शायद, इसलिए थोड़ी सी मिकदार कम हुई है। फिर से दोबारा मेरे ख्याल से ये तेज़ हो सकती है, क्या हो सकता है इससे कम हो जाए, लेकिन हो रही है अच्छी खासी मिकदार में, वो हिसाब लगा लें हम। और ये सामने हमारी मस्जिद है, हो सकता है बार नमाज के बाद फिर से दोबारा बारिश तेज हो जाए। जोर की नमाज से पहले और जोर की अजान से पहले और जोर की अजान के बाद धुआंधार बारिश हो रही थी, लेकिन अभी बारिश की मकदार में काफ़ी कमी आ रही है। जैसे जैसे ही नमाज पढ़ के निकले हैं ना, बारिश थोड़ी सी कम हो गई, थोड़ी 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 एक दो कतरे आ रहे हैं, और बादल जो भी है वो भी गरजने बंद हो चुके हैं। जी इफ्तारी में रह गए हैं तकरीबन 1.5 घंटा, और मैं जा रहा हूँ इस वक्त तंदूर पे, उस वक्त उधर भी बड़ा रश था। और ये देखें, जो सुबह बारिश आई थी अभी तक सुबह का पानी खड़ा हुआ। अभी जा रहे हैं उधर, सामने जो तंदूर है उधर भी नज़र आ रहा है रश दूर से। एक रोटी लेने के लिए मुझे कम से कम 1/2 घंटा 15 मिनट खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके एक रोटी मिलेगी। रश ज़्यादा होने की वजह से ही अभी अभी जस्ट मेरी आंखों के सामने एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कोई ज़्यादा एक्सीडेंट नहीं, हल्की सी कार लगी हुई है। ये अभी मेरी आंखों के सामने एक्सीडेंट हुआ है, यकीन जाने सिर्फ एक आदमी गलत जा रहा था, इस वजह से ये एक्सीडेंट हो गया, लेकिन कोई ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ, हल्के से सिर्फ गाड़ी को खरोच चाहिए। अभी ये बेचारे कम से कम 1/2 घंटा खड़े रहेंगे और वो का इंतज़ार करेंगे आने का। रश देखे हैं तंदूर पे हर जगह जगह। ये अभी भी बेचारे उधर खड़े हैं, कम से कम 1/2 घंटा इनको और लगना है। कमोबेश तंदूर पे 12 से 14 आदमी खड़े थे, सही है। एक एक रोटी लेनी थी, इस वजह से जल्दी मिल गई और अभी लेके घर जा रहा हूँ। और रास्ते में जो एक्सीडेंट देखा हल्का सा, वो उसकी उसकी कहानी अलग है भाई। एक आदमी गलत ट्रैक पे जा रहा था जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। हमारी कल हमने खेले तैयारी परले कमरे में की थी, हम इधर सोच रहे थे कि आदमी मदीना मस्जिद में चला गया, तो हमने परले कमरे में अफतारी की थी कल, सॉरी तो नहीं थे। हमारी अफतारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है ये, और इसका क्रेडिट जाता है इनको, और उधर एक बंदा रहते हैं उनको, ये सारा सामान। कल इफ्तारी अकेले की थी, कल कल कोई खास मजा नहीं आया इफ्तारी में, आज आज अच्छे वाला मजा आने वाला है। और ये काम पे हमारा फोरमैन है, इधर हमारा मुदीर है। ले जी, हम अपनी काम वाली किट पहन के तैयार हो चुके हैं काम पे जाने के लिए। अभी हम जा रहे हैं काम पे और 5 से 10 मिनट में निकलना है। अगर इससे ज़्यादा लेट करेंगे तो फिर सड़कों पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, 15 मिनट वाला रास्ता जो है वो कम से कम 1 घंटे में तय करना पड़ता है। तो यही थी मेरी एक छोटा सा व्लॉग, और पूरे दिन की रूटीन और पूरा महीना सेम इसी तरीके से गुजरना है। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।